हमारे सौर मंडल में 200 से भी ज्यादा चांद हैं, जिसमें कि सबसे बड़े चांद का नाम गैनीमेड है और ये बृहस्पति ग्रह का चक्कर लगाता है। इसके बाद आता है शनि ग्रह का एक और चांद जिसका नाम है टाइटन। यह सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा चांद है और यह हम इंसानों के लिए काफी खास है, क्योंकि ये इकलौता ऐसा चांद है जिसके पास बहुत घना और बिल्कुल एक ग्रह जैसा एटमोसफेयर यानी वायुमंडल है। पृथ्वी के मुकाबले 600 किलोमीटर ज्यादा ऊंचा वायुमंडल होने के कारण 1980 तक वैज्ञानिक यह मानते थे कि टाइटन ही हमारे सूर्यमंडल का सबसे बड़ा चांद है। लेकिन 1980 में जब वोयाजर स्पेसक्राफ्ट टाइटन के पास से निकला, तब उसे पता चला कि दरअसल यह बृहस्पति के चांद गैनीमेड से छोटा है। इस चांद का वायुमंडल 95% नाइट्रोजन गैस और 5% मीथेन गैस से बना हुआ है। टाइटन का वायुमंडल सौर मंडल में सबसे विचित्र है। इनमें इन दोनों गैसों के अलावा जीवन के लिए जरूरी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कार्बन और हाइड्रोजन भी मौजूद है। 2004 में कैसिन स्पेसक्राफ्ट को टाइटन के बारे में और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए भेजा गया था। इसके द्वारा में पता चला कि टाइटन के एटमॉस्फेयर में मीथेन और नाइट्रोजन की बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिसमें प्रकाश भी पैदा होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता दें कि ऐसा कुछ हमारी पृथ्वी पर भी होता है। टाइटन के साउथ पोल पर कई सारी मीथेन की झीलें मौजूद हैं। 2014 में वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही अजीब चीज पाई थी। दरअसल वैज्ञानिकों को यह पता चला कि इन झीलों में नाइट्रोजन गैस के बहुत बड़े बबल्स बन जाते हैं, जो कुछ समय के लिए एक द्वीप की तरह बने रहते हैं, और थोड़ी देर बाद जैसे ही बबल खत्म हो जाता है, वह आइलैंड भी खत्म हो जाता है। वैज्ञानिकों ने इन द्वीपों को मैजिक आइलैंड का नाम दिया। टाइटन का सबसे ज्यादा एरिया हाइड्रोकार्बन से बने हुए टीलों से ढका हुआ है। इसकी सतह पर मीथेन लिक्विड स्टेट में मौजूद है, जिसकी वजह से यह कभी कभी भाप बनकर बादलों की भी संरचना करता है, और कभी कभी तो मीथेन की बारिश भी इस चांद पर देखने को मिलती है। आकार की बात करें तो टाइटन का डायमीटर करीब 5150 किलोमीटर का है, जो लगभग मंगल ग्रह के बिल्कुल बराबर है। इसकी सतह का तापमान 179 डिग्री सेल्सियस है, जो पानी को बिल्कुल पत्थर की तरह मजबूत बना देता है, और मीथेन जैसी गैस को लिक्विड। इसकी सतह का प्रेशर हमारी पृथ्वी की सतह के प्रेशर से हल्का सा ज्यादा है। बात की जाए इसके ऑर्बिटल पीरियड की, तो टाइटन शनि ग्रह का एक चक्कर पृथ्वी के 16 दिनों के बराबर समय में पूरा कर लेता है। अपने ग्रह से ज्यादा पास होने के कारण ये हमारे चांद की तरह बिल्कुल टाइटली लॉक्ड होता है, जिसका मतलब है कि टाइटन की एक तरफ की सतह हमेशा शनि ग्रह के सामने ही रहती है और दूसरी उससे दूर। वैज्ञानिक मानते हैं कि टाइटन की आज की परिस्थितियां इसे भविष्य में इंसानों के रहने के लिए और भी ज्यादा अच्छा बना देंगी। कई सारे मैथमेटिकल मॉड्यूल्स के द्वारा यह साबित हो चुका है कि आज से 6 अरब साल बाद, जब हमारा सूर्य अपने अंतिम समय में एक रेड जायंट स्टार बन जाएगा, तब टाइटन सूर्य के हैबिटेबल जोन में होगा। उस जोन में आते ही यहाँ का तापमान आज की पृथ्वी के बराबर होगा, जो समुद्रों को बिल्कुल स्टेबल बनाए रखेगा। अगर ऐसा सच में हुआ तो टाइटन हमारी पृथ्वी की जगह ले सकता है और यहाँ जीवन भी विकसित हो पाएगा। पृथ्वी पर हुए प्रयोगों से यह बात पता चलती है कि जितना हमने पहले सोचा था, टाइटन उससे कहीं ज्यादा हैबिटेबल है। पहले यह माना जाता था कि टाइटन पर मौजूद जटिल ऑर्गेनिक केमिकल सिर्फ वायुमंडल में ही मौजूद होंगे, लेकिन कई सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये पता चला कि यह केमिकल सतह के नजदीक भी मौजूद है। वैज्ञानिक पहले मानते थे कि टाइटन पर मौजूद हाइड्रोकार्बन की झीलें वहां मौजूद सॉलिड चीजों के पिघलने की वजह से बनी हैं, लेकिन नेचर जियो साइंस में पब्लिश एक नई रिसर्च के मुताबिक टाइटन पर मौजूद क्रेटर्स यानी गड्ढे नाइट्रोजन गैस के धमाकों की वजह से बने हैं। दरअसल टाइटन की सतह का तापमान बढ़ने की वजह से नाइट्रोजन गैस भाप में बदल जाती है, एक धमाके के साथ बाहर आती है, जिससे बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। बाद में गड्ढे मीथेन, एथेन और हाइड्रोकार्बन की बारिश की वजह से भर जाते हैं, और इसी तरह से टाइटन पर हाइड्रोकार्बन की झीलों का निर्माण होता है। भविष्य में इंसानों को बचाने के लिए हमें टाइटन के केमिकल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, पर फिलहाल वैज्ञानिकों के पास ये डेटा बहुत ही कम मात्रा में मौजूद है। वैज्ञानिकों को सिर्फ यह पता है कि टाइटन पर मौजूद झीलें मीथेन और एथेन से बनी हुई हैं। हाल ही में कुछ दिन पहले वैज्ञानिकों ने इस चंद्रमा पर ब्यूटेन और
एसिटाइलिन गैसेस भी खोजी थी जो भविष्य में मानव सभ्यता के लिए फ्यूल के काम आ सकती हैं। टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा चांद है और पृथ्वी के अलावा इकलौता ऐसा ढूंढा गया ऑब्जेक्ट है जिसमें तरल यानी लिक्विड चीजें एक स्टेबल फॉर्म में मौजूद हैं। अगर आज इस चांद पर जाने की कोशिश की जाए तो हमें यहाँ जाने में 7 साल लग जाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ी परेशानी है। किसी भी हालत में जल्दी और बेहतर तरीके से इस चांद पर जाने के लिए हमें सबसे पहले अपने चांद और मंगल ग्रह पर एक बेस बनाना होगा। ये बेस एक स्पेस स्टेशन भी हो सकता है जहाँ से हमारा स्पेसक्राफ्ट डॉक करके और फ्यूल रिफिल करके टाइटन की ओर जा सकता है। इस तरह से हमें 7 साल की जगह केवल 2 साल में ही टाइटन पर पहुँच सकते हैं। खैर, अगर आप आज ही इस चांद पर किसी तरह से उतर जाते हैं तो आप इसके घने एटमॉस्फेयर में रहते हुए सैटर्न को बहुत ही अच्छे से देख पाएंगे। इसकी सतह से शनि ग्रह उतना ही बड़ा दिखाई देगा जितना हमारे चांद से 11.5 गुना बड़ा होकर हमारी पृथ्वी से दिखाई देता है। यह नज़ारा सच में बहुत ही सुंदर और देखने लायक होगा। लैंड करते ही आपको इसकी सपाट सतह देखने को मिलेगी। यहाँ बहुत ही कम जगहों पर आपको गड्ढे देखने को मिलेंगे। खास बात यह है कि इसकी सतह पर क्रायो वॉल्केनोज भी मौजूद हैं, जो ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जो अपने अंदर से आग और लावा की जगह बर्फ और पानी के धमाके करते हैं। ऐसे में ही कुछ ज्वालामुखी प्लूटो ग्रह पर भी मौजूद हैं। हालांकि सूर्य से बहुत दूर होने के कारण यहां आपको खतरनाक ठंड का सामना करना पड़ सकता है, पर अगर आप इस ठंड को अपने स्पेशल सूट से कंट्रोल कर पाए तो आप इसका घने वायुमंडल में उड़ने का भी मजा ले सकते हैं। एक हल्की सी जब आपको इस ग्रह पर पंछी की तरह उड़ने का मौका देगी तो अपने आप में बहुत ही अनोखा अनुभव होगा। खैर, हाल ही में वैज्ञानिकों ने टाइटन पर एक समुद्र की खोज की है और उनका मानना है कि यह 1000 फीट से भी ज्यादा गहरा है। इस समुद्र का नाम क्रैकेनमेयर है। यह समुद्र पूरी तरह से लिक्विड मीथेन और एथेन से बना हुआ है और यह टाइटन के नॉर्थ पोल पर मौजूद है। आपको बता दें, ये इस चांद पर मौजूद सबसे बड़ा समुद्र है और वैज्ञानिकों का कहना है कि यह समुद्र इसके केंद्र में कम से कम 1000 फीट गहरा हो सकता है और इसका फैलाव कम से कम 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर हो सकता है। आकार में भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान से भी बड़ा हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अब टाइटन पर सबमरीन्स को भी खोज करने के लिए भेजा जा सकता है। दरअसल यह समुद्र 5 बड़ी झीलों के आपस में मिलने की वजह से बना है। इस समुद्र के उत्तरी भाग में एक एस्टुअरी भी मौजूद है जो झीलों और समुद्र को आपस में जोड़ती है। हालांकि वैज्ञानिकों के टाइटन के समुद्र के बारे में काफी जानकारी जानते थे, यहाँ तक कि उन्हें उनकी गहराई के बारे में भी पता चलता था, लेकिन हमें टाइटन के सबसे बड़े समुद्र क्रैकेनमेयर के बारे में बहुत कम जानकारी थी। आपको बता दें, यह समुद्र टाइटन पर मौजूद सारे लिक्विड का 80% है और इसलिए यह इतना ज्यादा खास है। टाइटन्स हमारे सौर मंडल में सबसे अच्छी जगह होगी जहाँ पर इंसान अपनी बस्तियाँ बसा सकते हैं। टाइटन के समुद्रों में भी जीवन पनप सकता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कई साल पहले पृथ्वी पर पनपा था। जैसे हमारी पृथ्वी पर सारे जीव ऑक्सीजन गैस को अपने अंदर लेते हैं और उसका ग्लूकोज के साथ रिएक्शन कराते हैं और अंत में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं, वैसे ही टाइटन पर रहने वाले जीव ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन गैस को अपने अंदर लेंगे और उसका ग्लूकोज की जगह एसिटाइलिन नाम के केमिकल से रिएक्शन कराएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड की जगह मीथेन गैस बाहर निकालेंगे। हमारी पृथ्वी पर भी ऐसे कई सारे जीव हैं जो इस प्रक्रिया को अपना जीवन चलाने के लिए यूज करते हैं। ऐसे जीवों को मिथेनोजेस कहा जाता है क्योंकि ये मीथेन और पानी को बाहर छोड़ते हैं। देखा जाए तो बस्तियां बसाने के मामले में टाइटन मंगल ग्रह से कई गुना ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन क्योंकि मंगल ग्रह हमारी पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक है इसलिए सबसे पहले हमें वहीं के बारे में सोचना होगा और उसके बाद अपनी तकनीक को बढ़ाने के बाद में हम टाइटन पर जा सकते हैं। टाइटन हमारी पृथ्वी से काफ़ी दूर मौजूद है और यही बात है कि हम इंसानों की पहुँच से बाहर है। टाइटन तक संपर्क बनाने के लिए बहुत तेज चलने वाले यानों की ज़रूरत होगी जो फिलहाल हमारे पास नहीं है और आने वाले कुछ दशकों तक होंगे भी नहीं। जब तक हमारे पास तेज चलाने वाले वाहन नहीं आ जाते तब तक हम इंसानों को टाइटन पर पहुंचना ही बहुत मुश्किल होगा।
लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि आने वाले भविष्य में इंसान टाइटन पर ही रहेंगे, क्योंकि बहुत ही जल्द हम इंसान टाइप 1 सिविलाइजेशन बन जाएंगे, जिसका मतलब यह है कि हम अपने ग्रह पर पूरी तरह से कंट्रोल पा लेंगे, और यह करने के बाद हम सीधे अपने सौर मंडल को अपने कब्जे में लेने के काम शुरू कर देंगे। फिलहाल पृथ्वी पर आने वाले 1 अरब साल तक कोई भी बड़ा खतरा नहीं है। ऐसे में मानव सभ्यता आने वाले भविष्य में कई टाइटन के अलावा भी कई ग्रह और चंद्रमाओं को खोजकर उन पर बस सकती है। टाइप 2 सिविलाइजेशन बनकर हम ये काम आसानी से कर पाएंगे। बताइए इस पर आपका क्या कहना है, और ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।